यूपी बोर्ड की 10वीं परीक्षा में एक बार फिर बाराबंकी के मेधावियों ने न सिर्फ टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की बल्कि पूरे प्रदेश में 5वीं 8वीं 9वीं और 10वीं रैंक हासिल कर पूरे प्रदेश में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। बाराबंकी जिले में श्री साई इंटर कॉलेज नैला उबैद ने हाई स्कूल में 97.67% अंक हासिल कर सूबे में 5वां स्थान हासिल किया। महारानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल इंटर कॉलेज की छात्रा तफसीर फातिमा ने 97.17% अंकों के साथ प्रदेश में 8वीं रैंक, तो यहाँ पिता जायसवाल ने 97% अंकों के साथ 9वीं रैंक और काव्या शुक्ला ने 93.83% के साथ 10वीं रैंक हासिल कर पूरे प्रदेश में बाराबंकी जिले का नाम रोशन किया है। आज यूपी में मेरी 8th रैंक आई है और मैं उससे बहुत खुश हूँ और मैं इसका सारा श्रेय अपने पेरेंट्स को, अपने सर को, अपने सारे टीचर्स को देना चाहूँगी। सर आगे का आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर बिकॉज मुझे पॉवर्टी देखी नहीं जाती है, जो गरीब लोग होते हैं वो अपना पैसे के कारण अपना इलाज नहीं करवाते हैं, तो मैं चाहती हूँ मैं डॉक्टर। मेरा नाम काव्या शुक्ला है और आज मैं यूपी में 10th रैंक आई है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इसका श्रेय मैं पेरेंट्स को और टीचर्स को जानता है। टीचर्स डेली हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे जिसकी वजह से हम आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। मेरा नाम नायला उबैद है, मैं मेरे पापा का नाम मिस्टर अबू उबैदा है, मैं श्री साई इंटर कॉलेज जैतपुर बाराबंकी की स्टूडेंट हूँ। सर नायला आज आप जो है यूपी टॉप आई हैं, क्या कितनी खुशी है? मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। नायला किस तरीके से पढ़ाई किया आपने? मैंने पूरी तरह से अपने टीचर्स को फॉलो किया, उन पर विश्वास किया। मेरे टीचर्स ने हमेशा मेरी बेसिक्स, मेरे कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर रखे और जो कोई भी डाउट होता था मेरे टीचर्स ने कहा कि अगर मुझे कभी भी कोई भी डाउट होता था तो वो मतलब मैं उनसे बेझिझक अपने डाउट्स पूछूं। उन्होंने हमेशा मेरे डाउट्स सॉल्व किए और मैं डेली का काम डेली करती थी, कभी अपने वर्क को पेंडिंग नहीं रखती थी और कंसिस्टेंटली पढ़ाई करती थी। नायला क्या बनना चाहती हैं आप? मैं फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले स्टूडेंट जिस तरीके से उनको देखा जा रहा है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन स्टूडेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगी कि उन्हें मेहनत करते रहना चाहिए और उनकी मेहनत जरूर रंग लाएगी।